कुछ लोगों कि जैसे हम नए सिटी तो में गए तो वहाँ पे एडमिशन मुश्किल होते हैं बच्चों का और ऐसे क्लास छोड़कर चले तो पर जब पहुंचती तो मैं भी ऐसे परेशान थी स्कूल में ऐसे क्लास के पीच में जाना नहीं कितना चार पाँच महीने तो बच्चा ऑलरेडी पढ़ा मुश्किल होगा लेकिन जैसे ओलेवल में एडमिश कराया है तो यहाँ पे ओलेवल का की क्लासेस लेट शुरू होती है जैसे अगस्त सेप्टेम्बर में शुरू हुई है यहाँ पर वजह से आसानी भी होगी एमशन भी मिल रहा क्योंकि अभी अभी क्लासेस शुरू हुई थी ज्यादा नहीं हुआ था चार गुस्से होते फिर एडमिशन देना मुश्किल था तो अभी हम मुस्तफ़ा के लिए और तयबा के लिए जा रहे हैं आयत फिर नहीं जा रही तो आयत का मैं आपको तो बताऊँ आयत जो है ना होम स्कूलिंग ले रही है तयबा और मुस्तफ़ा सिर्फ अभी स्कूल जा रहे हैं कि सिक्स मंथ तक आयत अभी स्कूल नहीं जा रही आयत को जो है ना हम होम स्कूलिंग करा रहे हैं जो जो इनकी मतलब स्कूल की क्लास की टीचर थी तो उन्हीं के पास थे वो घर पे ही इनको होम स्कूलिंग दे रही है क्या था कि हमारा इधर उधर घूमने में अच्छा खासा ना आयत का भी काफी सारा टाइम वेस्ट हुआ है काफी सारा टाइम इसका गया है और फिर मुझे ये सबसे बेस्ट लगा जैसे कि टीचर इनकी है वो भी अपनी बच्ची को घर पे ही होम स्कूलिंग दे रही है तो मैंने सोचा सिक्स मंथ का ये है कि इसको होम स्कूलिंग करा लेती है इसमें ना इसको बहुत ज़्यादा टाइम इनकी टीचर जो स्कूल में दे रही है बीस पच्चीस बच्चों को एक साथ दे रही है अब वो उसको सेपरेट टाइम यहाँ पर मिलेगा और ये है कि चलो इसको ज़्यादा टाइम मिलेगा और अच्छे से पढ़ पाएगी तो फिर हमने सिक्स मंथ का ये कहा कि जो मुझे एक बेस्ट ऑप्शन लगा है और इसको बहुत ज़्यादा तवज्जो दी और मुझे ये अच्छा भी लगा है और बाकी फीस का भी कुछ अब यहाँ पे आप लोग डेट देख लीजिए कि इतने पिछले साल जब यहाँ पे शिफ्ट हुई थी तो अक्टूबर की तीन तारीख आ रही है कि इतने अक्टूबर में बच्चों को स्कूल में डलवाई थी और बोल रही थी कि सितंबर अक्टूबर में स्कूल यहाँ की चालू होती है ओ लेवल की स्कूल है मैं सोची थी चार पाँच महीना खराब हो गया है पता नहीं इनका एडमिशन होगा कि नहीं होगा तो सितंबर अक्टूबर में स्कूल चालू होती है तो प्रॉब्लम नहीं हुई तो अभी अगस्त में कैसे ही आके बोल रही है कि आयत के पढ़ाई का बहुत नुकसान हो गया है इसके लिए हम इसको होम स्कूलिंग करवा रहे डेट के साथ में सारा कुछ पड़ा हुआ है और पिछले साल तो इसने अक्टूबर में बच्चों को एडमिशन करवाई थी और ये साल इतने अगस्त में ही बेटी को निकाल दी और रीज़न क्या बता रही है के बच्चे की पढ़ाई का नुकसान हुआ है लोग घूमते रहे हैं वो वजह से उसको स्कूल इस में नहीं डाल रही है मतलब कि यहाँ पे आप लोग महीने का गैप देखो अभी अगस्त चल रहा है सितंबर अक्टूबर मतलब कि अभी भी दो महीना बाकी है और ये तो बोल रही थी अगस्त सितंबर में ही एडमिशन होते हैं स्कूल ओपन होते तो भी इसने अक्टूबर में बच्चों का एडमिशन कराई थी और ये बार अगस्त में ही इसने बेटी को स्कूल से निकाल दी और बोल रही है कि उसके स्कूल का नुकसान हुआ है हम यहाँ वहाँ घूमते फिरते रहे हैं तो मेरे ख्याल से कि बेवकूफ़ों को अब समझ आ गया होगा कि ये नुकसान वगैरह का पढ़ाई की नुकसान वगैरह का कोई भी लेना देना नहीं है इसके बच्चों को स्कूल से निकाला गया है बाकी आप लोग इसके वीडियो के ऊपर तवज्जो दो ये वीडियो आने के बाद में तो जाहिर सी बात है अब ये करके दिखाएंगी लेकिन ये वीडियो से पहले पहले का आप लोग तवज्जो दो पिछले साल के वीडियो का भी तवज्जो दो कि ये है ना इस वीडियो में अब जो वीडियो इसकी चल रही है ना बच्चों के स्कूल की तो आप लोग देखो के बच्चों को ना ही तो टिफ़िन बना के दिया जा रहा है ना ही बच्चों को स्कूल जाते हुए ज़्यादा दिखाया जा रहा है और ना ही आते हुए दिखाया जा रहा है और ना ही स्कूल दिखाई जा रही है पहले वीडियो में स्कूल दिखाई गई थी उसके बाद में पिटारा स्कूल नहीं दिखा रही है मीन्स के कराची में जब इसके बच्चों को स्कूल से निकाला गया था ना वो टाइम पे भी लोग क्या करते थे ना बच्चों को गाड़ी में बिठाते थे घुमा के लेके आते थे और बोलते थे बच्चे स्कूल जा के आए और ये बार भी यही चल रहा है कि गाड़ी में बिठाती है और घुमा के लेके आ जाता है गोछू और ये वीडियो बना देती है कि बच्चे स्कूल जा के आ गए लेकिन जहाँ तलक के मुझे पता चला है ना तो इसका कोई भी बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है कही बात फेल हो गई है मुस्तफ़ा वैसे ही नहीं जा रहा है और आयत के टाइम पे भी यही हुआ कि स्कूल से निकाल दिया गया है मीन्स के इसके बच्चों को स्कूल से निकाला गया है बाकी हाँ मैंने सुनी हूँ मैंने अभी तक देखी तो नहीं हूँ लेकिन हाँ मैंने सुनी हूँ कि गोंचू ने कोई गंदी सी वीडियो बनाया है तो लोग लो को लोगों का ये ख्याल है कि अगर के कंप्लेंट हुई है तो फिर वापस से उसने गंदी वीडियो क्यों बनाया तो वो इसके लिए बनाया क्योंकि जो होना था वो तो हो गया अब तो बच्चों का कोई नुकसान नहीं होने वाला है इस्कूल में क्योंकि तीनों बच्चे तो स्कूल छोड़ चुके हैं तो अब ऐसी वीडियो बनाने से क्या ही नुकसान होगा ना उसका तो अब तो वो खुल के ऐसी वीडियो बना सकता है और ये वीडियो बनाने का ये सब करने का मकसद क्या है किस चीज़ का गुस्सा निकाल रहा है अरे भाई लोग गुस्सा ही इस चीज़ का निकाल रहे हैं कि उनके बच्चों को स्कूल से निकाल के फेंक दिया गया है समझ आई और कल ही रीज़न ये नहीं है के आयत हाथ उठाती है गंदी लैंग्वेज यूज़ करती है और ये सारी चीज़ें खाली ये रीज़न नहीं है इसके बच्चों को कुछ भी पढ़ने लिखने नहीं आता है दूसरा पेरेंट्स लोगों ने कंप्लेंट की है कि ऐसी औरत के वजह से हमारे बच्चे भी बिगड़ेंगे तो हमारे बच्चों को अलग बिठाया जाए और ये सारा कुछ किया जाए जो दोज बने हुए थे ना इसके बच्चों के उनके पेरेंट्स नहीं चाहते हैं कि उनके बच्चे इनके बच्चों के दोस्त बने रहे सोचो इसकी क्या रेपुटेशन है लोग किस तरह से इसको देखते हैं और ये अपने आप को बहुत बड़ी ब्लॉगर समझती है और वो बार भी अक्टूबर में जो इसके बच्चों का एडमिशन हुआ था ना तो ये दुआ दे अपनी वो सिस्टर को जो केस बीबी जिसको बोलते थे ना उसको दुआ दे ये उसने पैसा वैसा खिला के उसने ये क्या बोलते हैं जरिए लगा के और पहचान लगा के वो सारा कुछ करके उसने एडमिशन करवाई थी वरना तो इसके बच्चों के ये पूरा साल वैसे भी घर में ही जाता और अब इसकी मजबूरी बन चुकी है होम स्कूलिंग करवाने की अब ये अगले साल जब एडमिशन करवाएंगी बिना तो वो स्कूल में नहीं करवाएंगी जो स्कूल में इसके बच्चे थे वहाँ से उनको निकाल दिया गया है बेइज्जत करके निकाला गया है और उसी का गुस्सा अब लोग वीडियो बना बना के रिश्तेदारों से वीडियो बनवा बनवा के गौचू से वीडियो बनवा बनवा के ये लोग गुस्सा निकालने की कोशिश कर रहे तो निकालते रहो माँ कितनी अच्छी है वो नहीं नज़र आ रहा जो पूरा दिन सोते रहती है शाम को उसको होश आता है तो उठती है एक घंटा यहाँ वहाँ का वीडियो बनाती है ताकि मुँह का जो सूजन है वो नज़र ना आए और फिर जब अपने फेस पे कैमरा करती है तब तलक के तो सूरज डूब चुका होता है तो जाके पहले है ना अपनी मालकिन को बोलो जिसके वजह से इसके बच्चों का नुकसान हुआ है और यही पढ़ाई के वजह से इसको लोगों ने सपोर्ट किए थे तो देख लो कि कितनी इसके बच्चों की पढ़ाई हो रही है अभी आके बहाने कर रही है कि इसमें स्टेमिना इस नहीं है भाई पहाड़ तोड़ने थोड़ी जाना है स्टेमिना नहीं है इसके लिए स्कूल नहीं भेज रही है ये कोई रीज़न नहीं होता ये बेवकूफ़ बनाना होता है और अगर इतना इसको पता था कि बच्चों के नुकसान हो रहा है तो फिर क्यों घूम रही थी जब बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रही थी तो क्यों झूठ बोली कि पहला दिन है स्कूल का याद है ना आप लोगों को जिस दिन ये छोड़ने के लिए बच्चों को गई थी क्या बोली थी कि देखो आज इतने बच्चे नहीं आए उतने नहीं आए आज बहुत गर्दी है आज कम गर्दी है क्योंकि आज स्कूल का पहला दिन है ये बोली थी इसने और फिर बाद में अभी आके बोल रही है कि बहुत टाइम है ना यहाँ वहाँ हम लोगों ने घूमने घामने में निकाल दिए मीन्स के स्कूल पहले ही शुरू हो चुकी थी जैसे कि हम लोग बता रहे थे फिर भी इसने वीडियो बना के ये बोली कि आज पहला दिन है और जब बच्चों को स्कूल से निकाल के फेंक दिया गया फिर बोल रही है कि बहुत दिन पहले स्कूल चालू हो गई थी अरे बेवकूफ़ है क्या वो लोग जो इसको सपोर्ट करते हैं वो लोग सवाल क्यों नहीं करते तू आके पहले बोलती है कि आज का स्कूल का पहला दिन है फिर बोलती है कि स्कूल शुरू हुए काफ़ी दिन हो गए थे मेरे बच्चों के स्कूल के खाड़े हो गए हैं नुकसान हो गया है वो वजह से होम स्कूलिंग करवा रही हूँ अब ये तो डेट के साथ में मैंने प्रूफ दे दी हूँ अब क्या गया तुम लोगों के मुँह में कितनी झूठी है तुम्हारी मार्गिन कितनी मक्कार औरत है कितना झूठ बोलती है जो औरत ख़ुद के बच्चों की नहीं है वो दूसरों की क्या होगी और ये जो बोला जाता है ना कि इंटरव्यू लिया जाता है इसके बाद में एडमिशन होता है चाहे माँ बाप का चाहे बच्चों का तो इनके टाइम पे कुछ भी नहीं हुआ था अगर वो टाइम पे इंटरव्यू होता ना तो वही टाइम पे इन लोगों को स्कूल से निकाल देते मेरा मतलब है एडमिशन देते ही नहीं वो तो सोर्स के वजह से एडमिशन मिल गया था पैसा खिलाने की वजह से मिल गया था दो नंबर काम कर रही थी ना तो ज़ाहिर सी बात है गलत काम का गलत ही नतीजा निकलता है ना तो निकल गया गलत नतीजा बैठी है अब बच्चों को घर में लेके होम स्कूलिंग करवाएंगी आई बड़ी होम स्कूलिंग करवाने और लोगों को भी देखो भाई आंखों पे पट्टियाँ पड़ी हुई है इसके सारे वीडियो डेट के साथ में पड़े हुए फिर भी वो लोग आके बोलेंगे नहीं उसकी मर्जी है वो नहीं पढ़ाना चाहती है वहाँ पे वो होम स्कूलिंग कराना चाहती है उसकी बेटी का इतना दिमाग नहीं है तो इसीलिए तो सीनियर केजी जूनियर केजी लगाए क्यों है चालू क्यों किए ताकि बच्चों का दिमाग तेज़ कर सके बच्चों को आदत डाल सके ये लोग बोल रहे हैं कि अच्छी खासी उम्र होएंगी ना फिर उसको आदत होएंगी वाह ऐसे ही है तो फिर तो एडमिशन ही नहीं चालू करना चाहिए था स्कूल वालों को उनको उम्र ही दस पंद्रह साल रखना चाहिए था एक इसके ही नियाल के बच्चे है जो छोटपन में स्कूल जा रहे है बाकी सबके बच्चे ना दस दस बारह साल के हो जाते हैं न तब स्कूल ज्वाइन करते और बाकी के चलो इसके टाइम पे तो ये बहाने कर रही है ना बाकी के दो बच्चों का देखो ना एक सा, सातवीं में बैठा है एक दूसरी में बैठी है मीन्स के उन लोगों को भी स्कूल नहीं भेजती थी खाली दो दूसरी लव मैरिज करके इतने सिंपत्ति ले ली के बच्चे स्कूल इसके लिए नहीं जा रहे कि हस्बैंड ने शादी कर लिया असल रीज़न ये था कि ये खुद बच्चों के ऊपर तवज्जो स्कूल के लिए नहीं देती है इनके घर में स्कूल को लेके कोई लेना देना नहीं है स्कूल इनके लिए इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है जब ये थाईलैंड में थी तो क्या बोली थी बच्चों के नसीब अच्छे होना चाहिए डॉक्टर भी डिग्री ले लेके घूम रहे हैं उनका कोई फ्यूचर नहीं है है ना इस तरह की बात की थी मैं तो वहीं से ही समझ गई थी कि ये बच्चों को शायद पढ़ाएंगी ही नहीं और वो टाइम पे लोगों ने रिएक्शन भी दिया था कि ये बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहती है और अब आके बहाने कर रही है क्योंकि इसको पता चल गया होगा ना जितनी ये गंदी हरकतें करती है जितने इसके अफेयर चीजा वाला कांड ये सारा कुछ मालूम पड़ने के बाद में और इसके स्कूल में बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे है जिनको इसकी सच्चाई पता है तो जाहिर सी बात है वो लोग थोड़ी ना ऐसे बच्चों के साथ में जिनकी माँ इतनी घटिया है ऐसे बच्चों के साथ में अपने बच्चों को पढ़ाएंगे या उनकी दोस्ती रहने देंगे तो ये पिटारा का ये गंध से नुकसान किसका हो रहा है बच्चों का हो रहा है और वही बच्चों के नाम पे सिम्पत्ति लेके अयाशियाँ करते फिरती है घूमते फिरती है कभी ये टूर पे जा तो कभी वो टूर पे जा तो कभी ये खरीद तो कभी वो खरीद लेकिन बच्चों का क्या फ्यूचर है अंडा जीरो कुछ भी नहीं है उनका फ्यूचर पैसे आ जाने से क्लास नहीं आ जाती है लोगों को लग रहा है ना बहुत पैसे है तो कोई बात नहीं नहीं भी पढ़ेंगे तो लेकिन क्लास कहाँ से लाओगे इज्जत कहाँ से बनाओगे खैर इन लोगों के नजदीक ये सब चीजें क्या ही मायने रखती है तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना वीडियो पसंद आएंगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना मिलते नेक्स्ट वीडियो में लाफी